बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप अगर टूरिस्ट वीज़ा विज़िट वीज़ा लेना चाहते हैं दुबई का, यूएई का, तो आप लोग अपनी फैमिली के साथ वीज़ा अप्लाई करें, आप बीवी बच्चों के साथ अप्लाई करें, बीवी बच्चे नहीं हैं तो अपने माँ बाप के साथ अप्लाई करें, और अगर दो बहनें हैं तब भी अप्लाई कर सकती हैं, सिंगल बहन नहीं कर सकती, और अगर दो भाई हैं तब अप्लाई नहीं कर सकते हैं, अपने वालदा के साथ अप्लाई कर सकते हैं, आप अपने वालदैन के साथ अप्लाई कर सकते हैं, अपनी बीवी के साथ अप्लाई कर सकते हैं, तो आपका वीज़ा इंशाल्लाह ताला लग जाएगा। इसमें भी तकरीबन 90% चांस होता है वीज़ा लग जाता है, 10% चांस होता है कि वीज़ा रिजेक्ट किया जाता है। तो कई मरतबा ऐसा भी होता है कि अगर बंदे एक बच्चे ने अपनी वालदा के साथ अप्लाई किया, वालदा का वीज़ा लग गया, बच्चे का नहीं लगा। कई मरतबा ऐसा होता है मियाँ बीवी अप्लाई करते हैं, बीवी का लग जाता है, शोहर का नहीं लगता। ये बहुत कम चांस होता है, लेकिन पिछले दिनों ऐसे केस सामने आए थे, मैंने कहा आपके साथ बात शेयर करते हैं, लेकिन ज़्यादातर लग जाता है। अल्लाह ताला खैर करे, अल्लाह आप लोगों के लिए आसानी पैदा फरमाए। हाँ, अगर फैमिली विज़िट वीज़े में, टूरिस्ट वीज़े में आपका वीज़ा लग जाता है और आप यूएई चले जाते हैं, दुबई चले जाते हैं, तो तब भी आपको अगर वहाँ जॉब मिल जाती है तो आपका वीज़ा रेजिडेंट परमिट में तब्दील कर दिया जाएगा। ये उनका रूल है, अभी भी ऐसे ही। अपना ख्याल रखें। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, ज़रूर सब्सक्राइब करें।